हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे एक इमेज गैलरी बनाना। अभी तक हम लोग क्या सीखे, तो अभी तक हम लोग को ग्रिड के बारे में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। ग्रिड का एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से आराम से प्यार से समझे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ गए, राइट। ग्रिड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ग्रिड के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए ये वाला इमेज गैलरी बनाएंगे, ठीक है। इस इमेज गैलरी में आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपना फैमिली फ़ोटोज लगा सकते हैं, आप एनिमल्स का फ़ोटो लगा सकते हैं, आप सीनरी का फ़ोटो लगा सकते हैं, लैंडस्केप लगा सकते हैं, पोर्ट्रेट लगा सकते हैं, जो मन करे आपका वो लगाइए, ठीक है। अभी अगर बात करें तो ऐसा जो टेम्पलेट इमेज आपको दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए इस इमेज गैलरी को। तो सबसे पहला चीज़ अगर आप लोग नोटिस कीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, हम लोग वहाँ पे जाके अभी देख लेंगे। अभी जो हम लोग को ऊपर ऊपर दिख रहा है यहाँ पे देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और इसको अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और अच्छे से ड्राई रन करेंगे, समझेंगे क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर हम ग्रिड की हेल्प से इसको बनाएँ तो कैसे बनाएँगे, तो हम यहाँ पर 3 कॉलम्स बना देंगे, 2 रो बना देंगे, इससे हम लोग का ऐसा टेम्पलेट आ जाएगा और उसके ऊपर हम लोग इमेज लगा देंगे, यही दिख रहा है ना। और ऐसा ग्रिड तो हम लोग को क्रिएट करने आराम से आता है ना, हम लोग सीख चुके हैं। और इस ग्रिड के बीच में अगर देखिए तो यहाँ पे गैप भी है, तो हम लोग को गैप जनरेट भी करने आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को बता देते हैं, इस गैप को हम लोग गटर नाम से भी जानते हैं, गटर जो वही अपने जो नाला बोलते हैं हिंदी में, वही गटर नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस गैप को जनरेट करना भी जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड बनाएंगे, गैप जनरेट करेंगे और उस ग्रिड में हम लोग इमेज लगा देंगे, मतलब उस ग्रिड सेल में इमेज लगा देंगे। हाँ, इमेज के साथ कुछ कुछ और भी हो रहे हैं ऑपरेशन, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इमेज के ऊपर जब स्क्रॉल किया गया, जब कर्सर को मूव किया गया, स्क्रॉल नहीं, जब होवर किया गया, तो देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का फिल्टर सब इमेज में दिख रहा होगा, देख रहे हैं, इसमें भी सब में ब्लैक कलर के फिल्टर दिख रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर इसके ऊपर जब होवर किया गया तो ब्लैक फिल्टर हट गया और यहाँ पे एक टेक्स्ट अपीयर हो गया, 5th इमेज, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं इससे अच्छा हम लोग चलते हैं क्रोम के ऊपर और देखते हैं इसमें क्या क्या है इस वेबसाइट में। तो देखिए यहाँ पर रहा अपना इमेज गैलरी, ओके, यहाँ पर देखिए इस बार 9 ग्रिड सेल्स हैं, मतलब 3 कॉलम होंगे, 3 रोज होंगे, राइट। अच्छा, अब देखिए इसको जब जब होवर कर रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमको दिख रहा है इमेज स्केल कर रहा है, स्केल करने हम लोग का आता है ना, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से इसको स्केल कर लेंगे, बढ़िया। दूसरा चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे ही इसके ऊपर होवर करते हैं तो ब्लैक फिल्टर है, ब्लैक फिल्टर रिमूव हो गया, ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। और हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, जब हम होवर करते हैं इसके ऊपर तो एक टेक्स्ट अपीयर होता है, ठीक है। अगर इस टेक्स्ट को ध्यान से देखें तो याद कीजिए, हम लोग शुरू जब किए थे वेब डेवलपमेंट तो एक चीज़ के बारे में पढ़े थे, किसके बारे में, फिगर और फिगर कैप्शन के बारे में। तो कुछ ऐसा ही को रिलेट यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, एक फिगर है और उसका कैप्शन अपीयर हो रहा है, कैप्शन कब अपीयर हो रहा है, जब होवर कर रहे हैं, उसको कैसे करना हो तो हम लोग देख लेंगे, ओके। और भी चीज़ क्या नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक H1 टैग है जिसके अंदर माई गैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। तब हो गया, बहुत सारा बात हो गया, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर और ऐसा एक सुंदर सा इमेज गैलरी क्रिएट करते हैं। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पे अगर इसके कॉर्नर्स को देखिए तो देखिए कॉर्नर्स कर्व हैं, कैसे बनाते हैं कॉर्नर को कर्व, सिंपल भैया, हम लोग बॉर्डर रेडियस लगाएंगे और उसको लेट से 10 पिक्सल 20 पिक्सल कुछ भी कर देंगे, तो ऐसा हम लोग को बॉर्डर के ऊपर रेडियस आ जाएगा, बढ़िया, ओके। तो चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं, हम लोग आ गए अपने VS कोड के ऊपर और आज अपना कौन सा लेक्चर है, तो आज अपना लेक्चर नंबर 35 है, राइट। तो यहाँ पे लिखे लेक्चर नंबर 35.html, ओके, क्या हुआ, एक फोल्डर क्रिएट हो गया, सॉरी फॉर दैट। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं लेक्चर नंबर 35.html, ठीक है, एक फाइल क्रिएट हो गया, अब फाइल और फोल्डर, ओके, इसको हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। हम किए इसको डिलीट, लेक्चर 35.html लिखें, ओके, क्रिएट हो गया, हम लोग लगा लिए यहाँ पे बॉयलर प्लेट, इतना काम आप लोग सब कर लिए होंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्या, टाइटल देते हैं माई इमेज गैलरी, बढ़िया, एक टाइटल भी दे दिए। अब देखिए
जब हम लोग बात करते हैं किसका, ग्रिड का बात करते हैं, तो हम लोग को दो चीज़ चाहिए ग्रिड अप्लाई करने के लिए। कौन कौन सा चीज़? एक तो भैया पहले कंटेनर चाहिए और उस कंटेनर का आइटम चाहिए, राइट। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंटेनर बनाना होगा, उसके अंदर आइटम्स डालना पड़ेगा। अब आप बोलिएगा या हम बोल रहे हैं, क्या कंटेनर्स में ज़रूरी है क्या आइटम सिर्फ डिब ही हो, क्या दूसरा आइटम नहीं हो सकता है? क्या कहने का मतलब, तो देखो हम कहना चाहते हैं यहाँ पे एक हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे लिखे डॉट कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे लिखे पी टैग। अब हम पूछना चाहते हैं क्या पी टैग इस कंटेनर का चाइल्ड है कि नहीं। तो ऑब्वियसली भैया पी टैग, जितना भी दो पी टैग दिख रहे हैं, ये भी कंटेनर के चाइल्ड्स हैं, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पी टैग नहीं लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फिगर टैग। फिगर टैग सबको याद है, ओके। फिगर टैग लगाएंगे और इस फिगर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज लगाएंगे, इमेज टैग, और क्या करेंगे, फिक कैप्शन वाला यहाँ पे लगा लेंगे, बढ़िया, ठीक है। फिक कैप्शन में इसका जो कैप्शन लिखा हुआ था, जैसे यहाँ पे फर्स्ट इमेज लिखा हुआ था, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इमेज लिखा हुआ था इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे इमेज लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो कंटेनर है, कंटेनर का जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है वही बिहेव करता है ग्रिड आइटम्स की तरह। जो इनडायरेक्ट चाइल्ड है, जैसे इमेज एक इनडायरेक्ट चाइल्ड है, तो बिहेव नहीं करेगा एज ए ग्रिड आइटम, सिर्फ फिगर ही बिहेव करेगा एज ए ग्रिड आइटम। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे फिगर क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग को कितना इमेजेस था, वहाँ पे 9 इमेजेस था। देखिए आप लोग को ऐसा इमेज आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देखिए सारा इमेज आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास 9 इमेज है, मतलब क्या हम लोग को 9 चाइल्ड्स क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब 9 फिगर टैग लगाना पड़ेगा, तभी तो 9 हम लोग चाइल्ड क्रिएट कर सकते हैं, तभी तो 9 ग्रिड सेल बनेंगे, राइट। तो ऐसे हम लोग करते हैं, तो चलिए शुरू से इसको डिजाइन करना शुरू करते हैं। आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, राइट। तो सबसे पहले हम वेबसाइट बनाने, हम क्या करते हैं, तो भैया हम एक रैपर बनाते हैं। रैपर क्यों बनाते हैं, तो रैपर इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम बोल देते हैं रैपर के अंदर ही मेरा सारा जो वेबसाइट है रैपर के अंदर ही रहने वाला है। वेल एंड गुड, हम रैपर बना लिए। अब हम लोग को क्या करते हैं, रैपर बनाने के बाद जो H1 टैग था जिसके अंदर लिखा हुआ था माई गैलरी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग लगाएंगे और लिखेंगे माई गैलरी। वेल एंड गुड, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम अपना कंटेनर बनाते हैं। कैसे कंटेनर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर, राइट, ओके। कंटेनर भी बन गया, बढ़िया, इतना काम हो गया। अब कंटेनर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके चाइल्ड्स बनाते हैं। चाइल्ड कैसे बनाएंगे, ओके। और जो चाइल्ड बनाएंगे उसको एक क्लास भी देंगे। कौन सा क्लास, लेट से कुछ भी क्लास का नाम दे देंगे, लेट से पिक्चर नाम का क्लास दे देते हैं। क्यों, क्योंकि उसी चाइल्ड के अंदर अपना पिक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो उसको एक पिक्चर नाम का हम क्लास दे देंगे, ठीक है, ओके। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फिगर, ठीक है, डॉट पिक। इसका क्या मतलब, फिगर टैग बनाइए और उसका जो क्लास होगा उसको आप पिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा कितना चाहिए हमको, तो ऐसा भैया हमको 9 चाहिए। वेल एंड गुड, ओके, ऐसा 9 जनरेट हो गया, ओके। इतना जनरेट करने के बाद अभी थोड़ा देर के लिए रुकिएगा, एक और चीज़ आप लोग को दिखाते हैं। क्या, यहाँ पे अगर इस ध्यान से इमेज गैलरी को देखिए, तो जो अपना इमेज गैलरी है ना, एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी है। आप लोग बोलिएगा क्या बोल रहे हैं भैया, तो अच्छा अभी देखिए अभी कितना हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस, हम लैपटॉप के ऊपर अभी देख रहे हैं। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस सबको पता है ना, बार बार बात कर चुके हैं। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या, जो वेबसाइट अपना लैपटॉप पर दिख रहा है उसी तरह एकदम अच्छे से अपने टैबलेट के ऊपर दिखे, अपने फ़ोन के ऊपर दिखे। जब भी डिस्प्ले में चेंजेस हो तो अपना वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो, वेबसाइट अपना अच्छा दिखे। चेंजेस हो लेकिन वेबसाइट अपना अच्छा दिखे। जैसे मोबाइल के ऊपर कुछ कुछ वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें हॉरिजेंटल स्क्रॉल आ जाता है, तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम लोग को वर्टिकल स्क्रॉल पसंद है, ऐसा स्क्रॉल, नीचे हॉरिजेंटल स्क्रॉल आ जाता है, इधर स्क्रॉल करके देखना पड़ता है लेफ्ट राइट, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर इस इमेज गैलरी को देखिए तो ये रिस्पॉन्सिव है। आप बोलिएगा भैया दिखाइए, देखिए हम इसको करते हैं इंस्पेक्ट। अब देखिए जैसे इंस्पेक्ट किए क्या हुआ, अपना डिस्प्ले का रेंज कम गया ना, अपना डिस्प्ले इतना बड़ा हो गया, जो ब्लू सेक्शन देख रहे हैं इतना बड़ा हो गया, ओके। इतना बड़ा डिस्प्ले किस चीज़ का हो सकता है, एक टैबलेट का हो सकता है या एक मिनी लैपटॉप जो होता है उसका डिस्प्ले हो सकता है, बढ़िया। उसमें कैसे दिखेगा, उसमें हमारा दो दो इमेजेस दिखेंगे, राइट, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको धीरे 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 स्क्वीज करते हैं। अब देखिए जैसे ही हम शिफ्ट किए हैं, छोटा किए, देखिए
मोबाइल में अपना क्या होगा, एक एक इमेज दिखेगा और नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे हम लोग को सारा इमेज दिखेगा। तो देख रहे हैं वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी है, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसका भी ध्यान रखना होगा कि जो वेबसाइट हम लोग डिज़ाइन करें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करें, राइट। चलिए तो हम लोग फिर से चलते हैं हमने वी एस कोड के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके थे, यहाँ पर हम नौ चाइल्ड क्रिएट कर लिए थे अपना कंटेनर का। वेल एंड गुड, इसमें बाद में आके अभी पिक्चर लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, इससे पहले क्या करते हैं जो अपना ग्रिड है, ग्रिड तो बना ले पहले। ओके, तो ग्रिड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल टैग अपना। स्टाइल टैग में एज यूजुअल जो अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसको लगाएंगे, और इसमें पैडिंग जो है इसको करेंगे क्या, जीरो। मार्जिन को क्या करेंगे, मार्जिन को भी करेंगे जीरो, और बॉक्स साइजिंग जो है इसको कर देंगे क्या, बॉर्डर बॉक्स। क्या आप लोगों को बताने का ज़रूरत है इतना हम लोग क्यों लिखते हैं बार बार, नहीं आप लोगों को पहले से पता है, राइट। ओके, इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रैपर को हैंडल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट रैपर। वेल एंड गुड, ओके, रैपर को एक हाइट देंगे, कितना हाइट देंगे, लेट से 100 व्यू हाइट का रैपर है अपना। ओके, अब हम बोलेंगे जो रैपर जो हम बना रहे हैं क्या हो, इसमें एक हॉरिजेंटल जो स्क्रॉल बार है नहीं आए, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, जो ओवरफ्लो अगर एक्स में होने लगे तो आप उसको हाइड कर दो, एक्स में ओवरफ्लो नहीं चाहिए हमको, वाई एक्सिस के ऊपर ओवरफ्लो चाहिए। आप लोगों को पता है ना क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस, जैसे देखिए अभी देखिए, ओके सॉरी क्या हो रहा है, ओके इसको रिमूव करते हैं एक बार, फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए जो अपना एक्स एक्सिस है इस वाले एक्सिस को बोलते हैं, वाई एक्सिस इस वाले एक्सिस को बोलते हैं, जो अभी हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो किसके ऊपर स्क्रॉल करते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर स्क्रॉल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे ओवरफ्लो एक्स हिडन, मतलब क्या, अगर एक्स में ओवरफ्लो करे कुछ भी तो उसको हाइड कर दो। हाइड करने से क्या होगा, हमको एक्स में एक हॉरिजेंटल जो स्क्रॉल बार है अपीयर नहीं होगा, क्लियर। ओके, इतना कर दिए, ठीक है। अब एक और चीज़ बोल देते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो का बात कर ही रहे हैं तो ओवरफ्लो जो वाई एक्सिस में हो उसको ऑटो कर दो। वेल एंड गुड, ठीक है, इतना हम लोग कर लिए, रैपर का भी बात खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपने कंटेनर का, कि भैया कंटेनर के साथ क्या करें, तो सिंपल कंटेनर लिखेंगे यहाँ पे, ओके कंटेनर लिखें डॉट कंटेनर। ओके, कंटेनर का सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो इसको अगर ग्रिड बनाना है तो डिस्प्ले को ग्रिड सेट करेंगे, ठीक है। वेल एंड गुड, इसको इसका डिस्प्ले भी ग्रिड सेट कर दिए। ओके, अब डिस्प्ले ग्रिड सेट करने के बाद एक और काम करते हैं, क्या करते हैं, हमको यहाँ पे रोज और टेम्पलेट जेनरेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और कितना हम लोग को कॉलम्स चाहिए, तीन कॉलम चाहिए, कितना का, लेट से अभी के लिए 1 FR का हमको तीन कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 3 कॉलम 1 FR, कैसे जेनरेट होता है आप लोग को पता है इसके बारे में, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ऐसे ही हम रोज जेनरेट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, GRC यही लिखेंगे ना, सॉरी GTC लिखेंगे, नहीं ग्रिड टेम्पलेट रो GTR लिखेंगे। ओके, GTR लिखेंगे तो हमको ग्रिड टेम्पलेट रो आ जाएगा, हम इसमें ही बोल देते हैं 3 चाहिए रोज, कितना का, 1 FR का, 1 FR का। वेल एंड गुड, इतना कर लिए, ठीक है। क्या और भी चीज़ करना होगा क्या भैया, हाँ और भी चीज़ करते हैं क्या, जो अपना कंटेनर है जैसे अगर, ओके इतना पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, इससे हम लोग को क्या आउटपुट मिल रही है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसको हाइट भी दे देते हैं फिलहाल के लिए, लेट से 500 पिक्सल का एक हाइट इसको दे देते हैं, किसको, अपने कंटेनर को, ठीक है। कंटेनर का क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड भी दे देते हैं, अभी हैंडल करने के लिए बाद में बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, अभी देखने के लिए बैकग्राउंड लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, इसको गो लाइव करना पड़ेगा, तो हम करते हैं इसको गो लाइव, ठीक है। गो लाइव किए, आप बोलिएगा भैया कुछ नहीं दिख रहा, अरे दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए कंटेनर के ऊपर जैसे ही होवर किया हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 9 कंटेनर्स तो बन के मिल गए हैं। वेल एंड गुड, इतना ही हम लोग को अभी चाहिए था फिलहाल, ठीक है। 9 कंटेनर बन के मिल गए हैं, क्या कंटेनर्स के बीच में, अगर आप इस इमेज गैलरी को देखिए, क्या इसके बीच में गैप्स हैं क्या, हाँ गैप्स तो दिख रहे हैं, तो लेट से 10 या 20 पिक्सल का हम गैप देते हैं, ठीक है। हम कंटेनर के ऊपर आए हैं, यहाँ पर दिए गैप, कितना का, लेट से 20 पिक्सल का गैप दे दिए। चलिए देखते हैं गैप कैसा जनरेट हुआ। ओके, गैप भी जनरेट हो गया। वेल एंड गुड, इतना काम कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए इमेज गैलरी को, इसमें देखिए बगल से देख रहे हैं मार्जिन है दोनों तरफ से,
राइट, मार्जिन है ना। तो इस मार्जिन को कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है, मार्जिन जनरेट करना सिखाते हैं। और इसमें देखिएगा अगर ध्यान से, तो इसके अंदर पैडिंग भी है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं, तो मार्जिन और पैडिंग जनरेट करना सिखाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम विथ क्या करते हैं, जो अपना विथ है, ओके, मैक्स विथ लगाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो मैक्स विथ हो ना 90% ही हो। क्यों 90% हो, इसीलिए 90% हो क्योंकि हमको बगल में भी स्पेस चाहिए। अगर पूरा 100% इसको बोल देते हैं तो क्या होगा, अपने पेरेंट का पूरा 100% ले लेगा, मतलब रैपर जितना बड़ा साइज का होगा उतना बड़ा साइज का कंटेनर बन जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेरे अगल बगल में भी थोड़ा गैप हो, इसीलिए इसका मैक्स विथ हम लिख दिए कितना 90%। वेल एंड गुड, ओके, मैक्स विथ 90% लिख दिए। तो इसको क्या करते हैं, एक मार्जिन और एक पैडिंग भी देते हैं, ठीक है। एक मार्जिन देते हैं कितना का, लेट से एक मार्जिन देते हैं कितना, लेट से मार्जिन देते हैं 30 पिक्सल का, 20 पिक्सल का, लेट से 30 पिक्सल का, और लिख देते हैं ऑटो। और भी जो अगल बगल का मार्जिन हो सबको ऑटो कर दो, ठीक है। मार्जिन दे दिए तो मार्जिन के साथ साथ हमको पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग लेट से 0 और 10 पिक्सल का पैडिंग दे दिए। क्यों लिख रहे हैं 0 10 पिक्सल, आप लोगों को पता है पैडिंग एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है पैडिंग टॉप लेफ्ट के लिए, इसीलिए। ओके, इतना काम कर दिए, बस अब अपने कंटेनर के ऊपर कुछ करना भी नहीं है, इस कंटेनर को अब छूना भी नहीं है। देखिए हम लोग का एक बहुत अच्छा सा कंटेनर यहाँ पे जनरेट हो गया, देखिए ऐसा ही हम लोग कंटेनर, अब देख रहे हैं दोनों तरफ यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कुछ कुछ गैप्स जनरेट हो गए हैं, देखिए ध्यान से दोनों तरफ यहाँ पे गैप्स जनरेट हो गए, मतलब स्पेसेस आ गए हैं दोनों तरफ। देखिए अपने ग्रिड में दोनों तरफ से और ऊपर नीचे से भी स्पेस आ गया जो हम चाहते थे, ठीक है। ग्रिड का काम हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को जो यहाँ पे पिक्चर जो क्लास लगाए थे इसके ऊपर कुछ कुछ प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी के लिए सबसे पहले हम बोलते हैं क्या, इसमें का अंदर जो भी चीज़ आए इसका जो ओवरफ्लो ना इसको हिडन कर दो, ठीक है। या अभी इस पर कुछ लगाते भी नहीं है, इसको पिक को ऐसे ही रहने देते हैं, पिक के ऊपर बाद में लगाएंगे। क्या करते हैं, जो अपने फिगर है इसके अंदर जल्दी से इमेज और अपना पिक कैप्शन लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज, सोर्स में क्या लिखेंगे, जैसे हम पहला इमेज लगाना चाहते हैं तो उसका नाम है first.jpg। देखिए यहाँ पे क्या अपना कहाँ है first.jpg, ये वाला इमेज लगाना चाहते हैं इसीलिए हम सोर्स में गए first.jpg लिखें। वेल एंड गुड, डन। इसको एक कैप्शन देते हैं, ठीक है। कैसे देंगे कैप्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे फिक कैप्शन, ओके। कैप्शन में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इमेज, जैसे देखिए इस वाले यहाँ पे आइए, इस देखिए इमेज में, देखिए जैसे ही इसके ऊपर होवर कर रहे हैं एक कैप्शन आ रहा है, जैसे सेकेंड इमेज लिख के, तो इसी को फीक कैप्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कैप्शन लिख दिए, अभी भले ही हम लोग करें तो यहाँ पे नहीं आए कैप्शन होवर करने पर, लेकिन उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे, ठीक है। वेल एंड गुड, ओके। इसी तरह हम क्या करते हैं, सारे के अंदर इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको किए पेस्ट, ओके। यहाँ पे हम ऑल्ट से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, मल्टी कर्सर बनाने आता है ना, ऑल्ट प्रेस कीजिए और सब पर क्लिक कर दीजिए, इससे क्या होगा मल्टी कर्सर बन जाएगा। एंटर किए हैं, वेल एंड गुड, और पेस्ट कर दिए, हो गया अपना काम, ओके। अभी नहीं हुआ अपना काम, अभी भी और चीज़ बचा हुआ है, क्या यहाँ पे सबका नाम तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसको second.jpg कर देते हैं और इसको भी सेकेंड इमेज कर देते हैं, सेकेंड, ओके छोटा हो गया, इसको कैपिटल करते हैं सेकेंड, SOC, सही है ना, ठीक है। सेकेंड इमेज इसको करते हैं थर्ड इमेज, ठीक है। और देखिए इस वाले जो ग्रिड से बनाना है ना गैलरी, बहुत ही इजी है, ज़्यादा अभी मतलब कुछ टाइम और लगेगा, 5 से 10 मिनट, और एक अच्छा मतलब गैलरी क्रिएट कर लेंगे। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग अपने फैमिली का फ़ोटो लगाइए, उसका गैलरी क्रिएट कीजिए, ठीक है। हम लिखें यहाँ पे 4th इमेज, और जल्दी से हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5th इमेज, ठीक है। इसका कैप्शन भी चेंज कर देते हैं 5th इमेज, FIFTH 5th इमेज, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ पे लिखते हैं क्या 6th इमेज, ठीक है। 6th इमेज लिखें, इसका भी 6th इमेज, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं आप लोगों को पता है ना, बार बार बताने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। यहाँ पे 6th इमेज कर लिए, 7th इमेज 7.jpg, इसका नाम कैप्शन चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं इसको 7th करते हैं आप लोग, ठीक है ऑलमोस्ट डन ही है। 8.jpg इसको भी कर लेते हैं 8, ठीक है, ओके। अब इसको करते हैं 9, लास्ट है अपना,
इंटर किए हैं और इसको कर लिए 9th.jpg, 9th, ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए इसे देखते हैं क्या कुछ आउटपुट में चेंजेस आया। तो कुछ नहीं आया भैया, भैया ऐसा बहुत ही गंदा दिख रहा है, ठीक है, अभी अच्छा दिखने लगेगा, थोड़ा देर रुकना है, ये बहुत ही गंदा दिख रहा है ना, इसको अभी हैंडल करते हैं और इसको अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। चलिए अब अच्छा दिखाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा अपने CSS के ऊपर। ओके, पिक्चर में एक CSS लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम बोलते हैं भैया इसका आप पोजीशन रिलेटिव कर दीजिए। ओके, क्यों रिलेटिव कर रहे हैं, ठीक है, इसका पोजीशन बाद में रिलेटिव करेंगे जब ज़रूरी पड़ेगा तब, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, इसका ओवरफ्लो जो है इसको हिडन कर दीजिए। हिडन कर दीजिए क्या मतलब, इसमें अगर कोई भी चीज़ इसके बाहर जाने का कोशिश करे तो उसको रोक दीजिए। पिक्चर जो अपना पिक्चर किसके ऊपर लगा हुआ, फिगर के ऊपर, तो सब कुछ फिगर के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, इतना कर दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए क्या है अपना जो इमेज है, देखिए कर्व है ना इमेज, देख रहे हैं इमेज कर्व है, तो इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20 पिक्सल का या 10 पिक्सल का ही दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे दिए। अब क्या बोलते हैं, जो अपना पिक जो क्लास है इसका जो इमेज है, इमेज कौन सा, IMG टैग, इसके साथ आप क्या कीजिए, जो IMG टैग है इसका हाइट और विथ 100% कीजिए। अब एक्सप्लिसिटली हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इस पर हम लोग फिर से आएंगे और आपको बताएंगे यहाँ पे 100% क्यों लिखें, इसके बिना भी काम चल जाएगा, लेकिन क्यों लिखें अभी बताएंगे। विथ इसको भी करते हैं 100%, क्यों किए हैं अभी बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ओके, अब हम बोल दिया इमेज जो है अपना, इसका एक हाइट कितना हो, 100% हो, विथ 100% हो, किसका 100%, तो अपने पेरेंट का 100%। इसका पेरेंट कौन है, तो पिक्चर क्लास वाला, तो जो भी पिक्चर क्लास है उसका 100%। पिक्चर क्लास मतलब क्या, जो अपना ग्रिड सेल है उसका 100% ले लें, मतलब पूरा ग्रिड को कवर कर लें, ठीक है, वेल एंड गुड, इसीलिए 100% लिखे। अब क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट फिट वाला जो प्रॉपर्टी है इसको कर देते कवर, इससे क्या होगा, जो अपना इमेज है इससे बाहर नहीं निकलेगा, और जो इमेज स्ट्रेच हो रहा होगा या छोटा होगा, अपना साइज अगर छोटा होगा तो साइज इंक्रीज करके फिट कर लेगा, और अगर बड़ा हो रहा होगा, इनलार्ज हो रहा होगा, तो छोटा करके इस बॉक्स में फिट कर लेगा, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट फिट लगा दिए। ओके, अब देखते हैं, चलिए क्या हुआ है, देखिए ओके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है भैया, इमेजेस कटना शुरू होगा, क्यों कट रहा है, देखिए यहाँ पे जो हम पहले हाइट दिए थे 500 पिक्सल को, इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही आप लोग को उस समय समझ में आए, इसीलिए हम वहाँ पे 500 पिक्सल का हाइट दे दिए थे, ठीक है। ओके, इतना कर लिए। यहाँ पे जो रेड बैकग्राउंड है ना, बहुत गंदा लग रहा है, तो चलिए इस रेड वाले बैकग्राउंड को भी रिमूव कर देते हैं, देखने के लिए हम लोग लगाए थे, ठीक है। क्या अपना इमेज गैलरी रेडी हो गया, हाँ इमेज गैलरी तो रेडी हो गया है, देखिए देखिए पूरा इमेज गैलरी रेडी है। आप लोग बोलिए भैया अभी भी प्रॉब्लम है, इसके तरह तो नहीं लग रहा है, इसमें देखिए कितना एक कूल सा ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है, होवर करते हैं तो एक ब्लैक फिल्टर लगा हुआ है, ब्लैक फिल्टर रिमूव हो जा रहा है और अपना पूरा इमेज दिखने लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से जो इसका टेक्स्ट है उभर के आता है, टेक्स्ट दिखता है जब होवर करते हैं। ओके, सब कुछ देख लेंगे। ओके, अभी ध्यान दीजिए सारे इमेजेस के ऊपर एक ब्लैक फिल्टर दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं ग्रे स्केल फिल्टर। आप लोग जो एडिटिंग जानते होंगे और जो स्नैपचैट्स खास करके लड़कियां लोग, उन लोगों को पता होगा ग्रे स्केल क्या होता है अच्छे से, ठीक है। तो हम आते हैं बोलते हैं जो अपना इमेज है ना इसके ऊपर एक फिल्टर लगाइए, वही जो फिल्टर जो हम लोग को स्नैपचैट्स में मिलता है, कैसा फिल्टर लगाइए, ग्रे स्केल नाम का फिल्टर लगाइए। ओके, अब इस जो फिल्टर है कितना परसेंटेज का लगाइए, तो हम बोलते हैं जो फिल्टर है पूरा 100% नहीं लगाइए, इसका 80% ही लगाइए, मतलब पूरा ब्लैक करने का जरूरी नहीं है, 80% ही ब्लैक कीजिए। अब देखिए सारा इमेज अपना ब्लैक हो गया, वेल एंड गुड। लेकिन आप बोलिएगा भैया इमेजेस तो ब्लैक हो गए लेकिन होवर करने पर कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए होवर करने पर इमेजेस से ब्लैक फिल्टर हट जाता था। ओके, इसको भी करते हैं, ठीक है, इतना काम कर लिए, तो अपना इमेजेस का भी जो काम है ऑलमोस्ट डन। अब हम बोलते हैं होवर करने पर क्या होना चाहिए, तो हम बोले अगर जो पिक वाला क्लास है अगर इसको आप होवर करें तो क्या हो, अपना जो इमेज हो, सबसे पहला इमेज अपना जो है थोड़ा सा स्केल करे। स्केल कैसे करेगा, हम लिखे ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे लिखते हैं स्केल, कितना से स्केल करे, तो ज़्यादा नहीं, 1.05 से या 0.6 से थोड़ा सा ही स्केल करे, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्या स्केल होता है। तो देखिए जैसे ही ओके यहाँ पे खुला हुआ है, देखिए देखिए जब हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं स्केल हो रहा है, लेकिन अभी देखिए स्केल जो हो रहा है बहुत ही एब्रप्ट सा हो रहा है, एक जड़ की तरह फील हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना स्मूथली आया है, देख रहे हैं कितना स्मूथ आया है। यहाँ पे देखिए एक जर्क की तरह आ रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको स्मूथ? ठीक है, इसको स्केल कर रहे हैं 1.06 से। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगाता है, कौन सा? एक ट्रांजिशन नाम का प्रॉपर्टी आता है। ट्रांजिशन नाम का प्रॉपर्टी में गए और हम बोल दिए जो इसका ट्रांजिशन स्पीड जो है आप कर दिए 0.5 सेकेंड। क्या आप देखते हैं क्या जर्क अभी, देखिए अब स्मूथ हो गया, क्या कोई जर्क नहीं आ रहा है? इसके तरह सेम स्मूथ हो गया, राइट? कोई जर्क नहीं क्रिएट कर रहा, वेल एंड गुड। लेकिन अभी बोलिएगा भैया अभी भी जो ब्लैक फिल्टर है रिमूव नहीं हो रहा है। इसमें देखिए इसमें जैसे ही करते हैं होवर, ब्लैक फिल्टर रिमूव हो जाता है। ओके हो जाएगा रिमूव। हम क्या बोलते हैं जो हम यहाँ पे फिल्टर जो लगाए थे ग्रे स्केल वाला, कौन सा फिल्टर लगाए थे? ग्रे स्केल वाला, इसको आप कर दीजिए 0%। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे ही हम पिक्चर के ऊपर हम होवर करें कर्सर ले जाएं तो इमेज के ऊपर ये सारे चेंजेस को आप रिफ्लेक्ट कीजिए। पहला चेंजेस क्या कीजिए, इसको 1.06 से स्केल कर दीजिए। कितना देर लगना चाहिए स्केल करने में? तो 0.5 सेकेंड लगना चाहिए, ठीक है। अब हम बोलते हैं क्या जो फिल्टर जो 80% था, जैसे ही हम इसको होवर करें तो उसका फिल्टर को जो वैल्यू है इसको 0% पर ला दीजिए। चलिए अब देखते हैं। ओके हम यहाँ पे गए, अब देखिए क्या इसके ऊपर होवर करने से फिल्टर हट जा रहा है, क्या पूरा अच्छे से इमेज हमको दिख रहा है? देखिए वेल एंड गुड, इतना कर लिए, ठीक है। ओके अच्छा आप लोग को एक चीज़ पता है ना, यहाँ पे गैप क्यों आया? गैप इसीलिए आया है क्योंकि हम कंटेनर के ऊपर गैप 20 पिक्सल लगाए थे, ठीक है। इतना कर लिए लेकिन अभी आप बोलिएगा भैया अभी भी कुछ कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। क्या इनकम्प्लीट लग रहा है? तो यहाँ पे देखिए भैया यहाँ पे जब भी होवर कर रहे हैं हमको फिक कैप्शन अपीयर होते दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और फिक कैप्शन अगर बात करें तो दिख भी नहीं रहा है, कहाँ गया? ठीक है हम लोग चलते हैं फिक कैप्शन के ऊपर। ओके वेल एंड गुड, अब जब हम फिक कैप्शन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग फिक कैप्शन को हैंडल करेंगे? तो यहाँ पे डायरेक्ट जो अपना एलिमेंट सेलेक्टर है उससे फिक कैप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, वेल एंड गुड। ओके अब सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखिए अगर फिक कैप्शन जो भी रहता है कहाँ आता है? इमेज के नीचे आता है, राइट? लेकिन हम क्या चाहते हैं अपना फिक कैप्शन इमेज के ऊपर आए, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल है भैया, आप पोजिशनिंग जो है उसको एब्सोल्यूट कर दीजिए। अब एब्सोल्यूट पोजिशनिंग क्या बोलता है? एब्सोल्यूट पोजिशनिंग बोलता है एक नॉन स्टैटिक एंसेस्टर चाहिए। तो हम क्या करते हैं जो अपना पिक्चर है इसका जो पोजीशन है इसको रिलेटिव करते हैं। इससे क्या होगा, जो पिक्चर है नॉन स्टैटिक एंसेस्टर बन जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में अगर फिक कैप्शन में हम इसका पोजीशन अगर फिक कैप्शन में क्या लिखते हैं, रिलेटिव नहीं, इस बार हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, जो अपना पिक्चर है इसके हिसाब से फिक कैप्शन अपना पोजीशन होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम पोजीशन रिलेटिव लिखे हैं, राइट? इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, पहला चीज़ पोजीशन हम लोग कर दिए एब्सोल्यूट। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे देखिए ध्यान से देखिए ये वाला जो फिक कैप्शन है कहाँ अपीयर हो रहा है? बॉटम में अपीयर हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं जो बॉटम से हो ना, बॉटम से 0 पिक्सल पे हो, कितना पे? 0 पिक्सल पे हो, या बॉटम से 0 पर हो, सेम ही बात है, ठीक है। बॉटम से हम लोग लिख दिए 0। अब क्या बोलते हैं, जैसे एक और चीज़ ध्यान दीजिए, क्या जो अपना फिक कैप्शन है देखिए सेंटर में आ रहा है, दिख रहा है? तो सेंटर में करने के लिए एक हम लोग बोल सकते हैं जुगाड़ लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट से आप 25% दूर हो जाओ, ठीक है। ओके 25% दूर हो जाएगा, इससे अपना सेंटर में आ जाएगा। आप लोग बोलिए भैया इतना तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी हम लोग का अपीयर नहीं हो रहा है कहीं से भी, क्या फिक कैप्शन अपीयर हो रहा है? देखिए अपीयर तो हो रहा है लेकिन बहुत ही छोटा है, अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो दिखेगा, देखिए दिखा। ओके इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं, इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोग यहाँ पे आए, इसका जो फॉन्ट है पहले फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज जो है फॉन्ट साइज बढ़ा के कितना करते हैं, लेट से 2 रेम कर देते हैं,
ओके ओके, टू डेम करने पर अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा तो दिखने लगा, लेकिन इसका जो कलर है, कलर ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे लिखते हैं हम कलर, और लेट्स से येलो का एक शेड था, ठीक है, येलो में आके ऐसा कुछ कर देते हैं। आप देखते हैं क्या दिख रहा है क्या? ओके, सबके ऊपर दिख रहा है, लेकिन देखिए क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे तो बिना होवर किए हुए ही दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर जब होवर करते थे तभी दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे तो देखिए ऐसे ही दिख रहा है। तो चलिए इसको भी हैंडल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आएंगे अपने फिगर में, ओके, फिग कैप्शन में सॉरी, और इसका जो ओपेसिटी है इसको कम कर देंगे। ओके, ओपेसिटी पर जाने से पहले इसको क्या करते हैं, इसको एक पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग कितना? ज़्यादा नहीं, 10 पिक्सल का पैडिंग भी दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो ओपेसिटी का, तो हम बोलें क्या, इसका ओपेसिटी जो है, किसका ओपेसिटी, इस जो फिग कैप्शन का है उसको 0 कर दीजिए। तो देखिए गायब हो गया फिग कैप्शन, तो दिख ही नहीं रहा है। ओके, अब दिखेगा, ठीक है, ओपेसिटी इसको 0 कर दीजिए, ठीक है, वेल एंड गुड। अब हम बोलते हैं जो अपना पिक्चर है, जब इसको होवर कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, जो अपना फिग कैप्शन है ना, इसका ओपेसिटी जो था 0, उसको आप कर दीजिए 100%, ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, इसमें 100% नहीं कर सकते, इसमें यूनिट 0 और 1 के बीच में टॉगल करता है, ठीक है, तो 100 नहीं, माई मिस्टेक, इसको 1 करेंगे, राइट। अब देखिए जैसे ही 1 किए, अब देखिए जैसे ही होवर कर रहे हैं क्या अपीयर हो रहा है अपना टेक्स्ट, वेल एंड गुड। ओके, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ नहीं हुआ क्या, माई गैलरी अभी सेंटर में नहीं आया है। देखिए इसमें देखिए माई गैलरी सेंटर में आ रहा है, इसका कलर जो है ब्लू है, ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। इसमें देखेंगे तो थोड़ा लेटर में स्पेसिंग है, यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं है। तो चलिए अब हेडिंग को हैंडल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे लिखेंगे H1 टैग से, सेलेक्ट किए एलिमेंट सेलेक्टर से, ठीक है, सबसे पहले इसको सेंटर में लाते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। चलिए देखिए गैलरी अपना आ गया सेंटर में, वेल एंड गुड। इसका फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं, ठीक है, कितना करते हैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को बढ़ा के लेट्स से 4 dm कर देते हैं, ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, एप्रोप्रिएट लग रहा है 4 dm, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, नॉट एन इशू, ठीक है, 4 dm कर दिए, वेल एंड गुड। इसमें एक लेटर स्पेसिंग देते हैं, कितना, ज़्यादा का नहीं, 10 पिक्सल का लेटर स्पेसिंग देते हैं। इससे क्या होगा, जो लेटर चिपक रहा था, जो एक एक अल्फ़ाबेट अपने आप को स्टिक कर रहा था, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कलर है सिंपल ब्लू कर देते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, कलर ब्लू, ठीक है, वेल एंड गुड। चलिए देखते हैं, देखिए क्या सेम दिखने लगा, ठीक है, सेम दिखने लगा, ऑलमोस्ट डन। आप ही इसमें देखिए पूरा सेम दिखने लगा। अब चलिए लास्ट चीज चेक करते हैं, क्या क्या जो हम इमेज गैलरी बनाए हैं क्या रिस्पॉन्सिव भी है क्या? यह वाला तो हम लोग देखे थे ना रिस्पॉन्सिव था, जैसे देखिए इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करके जब इसको देखिए रिस्पॉन्सिव है, क्या जो हम क्रिएट किए हैं रिस्पॉन्सिव है क्या? अब देखिए यहाँ पे तो रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है लेआउट में, तो आप बोलिएगा भैया कैसे बनाए, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। तो चलिए इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे? तो आप लोग याद कीजिए अपने पिछले लेक्चर में आप लोग एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, कौन सा प्रॉपर्टी, एक नहीं दो प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पढ़े थे, ऑटो फिट और मिनमैक्स के बारे में, राइट, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं, वेल एंड गुड, कमेंट आउट कर दिए। अब हम फिर से लिखते हैं क्या, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है, वेल एंड गुड। रिपीट कीजिए, रिपीट में आप क्या कीजिए, ऑटो फिट कीजिए, ठीक है, ऑटो फिट कीजिए, कॉमा दे दिए। ऑटो फिट के बाद हम लोग क्या लगाते थे, मिनमैक्स नाम का फंक्शन लगाते थे, ठीक है, मिनमैक्स नाम का फंक्शन लगा दिए। हम बोलते हैं क्या, जो मिनिमम इसका विथ हो, ठीक है, कॉलम का विथ हो कितना हो, 375 पिक्सल, ओके, और कितना का, और मैक्सिमम कितना हो जाए, तो 1 FR हो जाए, वेल एंड गुड, ठीक है। हम आते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज लगाते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है, रिपीट आए इसमें सेम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो फिट, लिखेंगे कॉमा, लिखेंगे मिन मैक्स, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम बोल देते हैं जो इसका हाइट जो है 200 पिक्सल रहे और मैक्सिमम हाइट क्या रहे, 1 FR रहे, वेल एंड गुड। बस इतना ही करना था रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब देखिए
हो गया अपना रिस्पॉन्सिव। देखें ये वाला नहीं है, आप लोग को ध्यान से दिखा देते हैं, जो अभी हम लोग बनाए थे वही है। चलिए इसको हम थोड़ा सा स्क्विज करके देखते हैं। देखिए क्या हम लोग रिस्पॉन्सिव बना लिए। तो क्या आज बनाने में मज़ा आया? आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पर 9 लगाए हैं, आप लोग 10 लगाइए, 20 लगाइए, 50 लगाइए, आराम से टाइम लेके बनाइए, और इससे आपके ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू। We'll be right back.